भाई फाइनली मैं एक जंगल पार करके आ ही गया। ऑलराइट तो भाई मैं हूँ हेमंत के साथ, तो हम किसी फॉरेस्ट में हैं, तो मुझे भी लोकेशन पता नहीं है, मैं मोबाइल में चेक में करके बाद में डालूंगा कि कहाँ पे हम। और ये इसका नाम क्या है, ये जो आपने बताया था? इट्स ए रेंजर एडवेंचर्स फाउंडेशन। सो बेसिकली हियर आई मीन लाइक ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे आर गोइंग टू अलॉट, आई मीन लाइक दे विल प्रोवाइड यू अपार्ट फ्रॉम सर्फिंग, स्टैंड अप पैडलिंग, यू नो लाइक crafting, everything, mostly. Okay. You have to book earlier, so they will give you the all activities, things, I mean like, even you can go and you can chill out with that. और बाकी हम, we are going through inside this jungle, right? Yes. Entire jungle area. We are trekking here for more than 2 kilometers, so there we'll get a beach, so there we can do chill. Okay, then थोड़ा view देख लो यार, ये वाला ऐसा है थोड़ा। और मेरे GoPro में बैटरी बहुत कम है, तो मिलते हैं डायरेक्टली वहाँ पे आपसे बीच पे। तो भाई लाइट का बहुत इशू है, हमें दिख तो रहा है यहाँ पे, लेकिन GoPro में रिकॉर्ड नहीं आ रहा वैसा। भाई चलने के बाद एक आप लगा लो, कोई प्राइवेट सा बीच है यहाँ पे आ गया हूँ मैं। क्या सुंदर जगह है यार, अगर मेरे पास शायद लो लाइट वाला कुछ कैमरा होता मैं आपको दिखा पाता। मजा आ गया यार, मजा। हेमंत हेमंत नॉट विजिबल कम्प्लीटली, ओनली व्हाइट टी शर्ट कम। ऑल राइट, तो भाई आज पता नहीं क्या डेट है यार, आज अभी हो रही है संडे इतना मुझे पता है, और सुबह के 5:30। तो यार कल मुश्किल से मैं एक या दो घंटे रात में सोया हुआ हूँ। बाकी ये जो प्लेस जहाँ पे मैंने अभी आपको टेंट दिखाया, मैं थोड़ा आके डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले यार मैं जा रहा हूँ एक ना पूरी और कोनार के बीच में एक कुछ आप लगा लो रिजॉर्ट टाइप पड़ता है, उस रिजॉर्ट से एक रास्ता जाता है जंगल का रास्ता, जो कि एक आप लगा लो कोई प्राइवेट बीच या कुछ बिना रास्ते वाले बीच लगा लो, ऐसा बीच है वो। तो आज मैं कल गया था हेमंत के साथ रात में, उस टाइम मैं कुछ शूट वूट कर नहीं पाया, तो अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ, वो प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से। और भाई ये मेरा शायद पहली बार होगा कि मैं ऐसे जंगल के अंदर जाने वाला हूँ। बाकी ये लैंडमार्क है, एक फ्लैग और मंदिर है यहाँ पर लैंडमार्क, एंड देन मुझे ये जो कच्चा रास्ता जाता है इसी से मुझे आगे बढ़ना है। हेमंत मुझे बता रहा था यार ये जो जंगलों में होता है कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, मतलब एक दो साल में आते हैं और देन क्या करते हैं कि जंगल का जो ये वाला एरिया आप ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़े थोड़े पेड़ों को काट दिए हैं और इस पे आग लगा दी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इससे ना फॉरेस्ट को कुछ ग्रोथ मिलती है, मैंने पता नहीं बहुत पहले कहीं स्कूल वूल में पढ़ा था, एक ये टेक्निक होती है फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए कि उसको काटो एंड फिर उसको जलाओ। तो अब हम सीधा चलते हैं इस रास्ते पर। मैंने यार अपनी थोड़ी सेफ्टी के लिए यार एक स्टिक रख ली है अपने पास, मेरे ख्याल से जंगली जानवर होने तो नहीं चाहिए। दो चार थोड़े बहुत जानवर सुने हैं मैंने, जैसे कि फॉक्स, आई थिंक भेड़िया, डियर भी यहाँ पे बहुत आते जाते रहते हैं। आई थिंक वो कुछ करेंगे तो नहीं यार, लेट्स सी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से यार अप्रॉक्स नेविगेशन में 2 किलोमीटर दिखा रहा है, बट आई थिंक ये 2 से ज़्यादा है, क्योंकि ये रास्ता ना सीधा रास्ता नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ये एक लैंडमार्क मैंने बना दिया है फॉर सेफर साइड कि मैं करेक्ट रास्ते से आते टाइम आ रहा हूँ कि नहीं, जाते टाइम तो मैं शायद पहुँच जाऊँ जस्ते से, बट मुझे आने का रास्ता इम्पोर्टेंटली याद रखना है। ये पहला मार्क मैंने किया है यार, ये जंगल इतना शांत है कि आप लगा लो मैं शायद 1/2 किलोमीटर चलाऊंगा अभी, और 1.5 किलोमीटर कम से कम बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर से ही मुझे
समुंदर से जो पानी वेव्स जो टाइड्स आ रही है उसकी आवाज़ भी आ रहा है मुझे, बहुत हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की। यार ये मेरा ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं भले ही किसी के साथ गया हूँ इस रास्ते में बट अकेले जा रहा हूँ मैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यार। मज़ा तो आने लगा यार, तगड़े वाला मज़ा आने लगा, कुछ भी कहो। बाकी यार मैं अपना बैग वैग सब कुछ वहीं रख के आ गया हूँ, क्योंकि मैं फालतू का अननेसेसरी वेट नहीं, ये पता नहीं क्या है कुछ। चलो डिस्टर्ब नहीं करते किसी को यार। मैंने कि पढ़ा था अगर आप ये तो जानवर वगैरह होते हैं, ये शायद कुछ जानवर सारे भी, एक स्टिक होना ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि उससे उनको लगता है कि भाई इसके पास कोई हथियार है। मैं थोड़ा फर्स्ट टाइम आया हूँ तो पता नहीं मेरे ना दिमाग में ये सब बातें घूम रही हैं कि कोई कुछ बोला जाए, तो बार बार आगे पीछे दोनों देख रहा हूँ। यूजुअली हमें पीछे नहीं देखना चाहिए और पीछे मुड़ना भी नहीं चाहिए और ना पीछे बढ़ना चाहिए ज़्यादातर जानवरों के केस में, बिकॉज उनको लगता है कि यार ये डर गया है और इस पर हमला कर सकते हैं। ये सब भी ये कुछ कुछ जानवरों पर ही डिपेंड करता है। बाकी यार ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, बीचों बीच ना एक आप लगा लो कुछ चौक टाइप सा बन गया है। ये वाला रास्ता काफ़ी ब्रॉड है और जो ये जो मेरे पीछे वाला रास्ता है ये काफ़ी पतला सा रास्ता है, तो मैं यहाँ पे एक और मार्क बनाने की सोच रहा हूँ कि भाई मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैं इस डायरेक्शन में जाना था और मैं इस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है, वो रहा मार्क और मैं चल पड़ा आगे की ओर। और जो मैं चीज़ बता रहा था ना जंगल को जलाना, वो आप प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हो यार। ये देखना ये शायद रिसेंटली जलाया होगा और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे थे। ये देखना यहाँ सूखी सूखी झाड़ी, वहाँ सूरज, और इधर देखना एकदम हरियाली। तो ये पूरे ना जंगल को एक्चुअली नहीं कट करते, कुछ जो पार्ट होता है जहाँ पे इनको लगता है कि ज़रूरत है ये सब करने की, सिर्फ उसी पार्ट में करते हैं। भाई ये जंगल में यार थोड़ी सी आवाज़ आ रही है ना मेरी, अब थोड़ी फट सी गई है क्योंकि अभी कुछ आवाज़ आई, मैं थोड़ा रुक गया कि सुनने के लिए किस चीज़ की आवाज़ है। हो सकता है किसी पेड़ पौधे के गिरने की आवाज़ हो, और ये थोड़ा हल्का सा चढ़ाव था पीछे, अब फिर ढलान है एंड देन फिर चढ़ाव है। बाकी रास्ता बहुत पतला हो गया अब यार साउंड बहुत तेज आ रहा है, ये थोड़ा है यार रास्ता ये कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जरूरी था सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्क था वो मुझे यही लगता है अभी तक तो। बाकी फाइनली सामने ही है मेरे ख्याल से, ये थोड़ा जो चढ़ाई है ये क्रॉस करके आ जाना चाहिए। अब आ रही है भाई तगड़े वाली एनर्जी, अभी तक तो मेरी मैं डर के आ रहा था थोड़ा, अब भाई आ रहा है मुझे मज़ा। अरे अब तो शायद आपको भी आवाज़ आ रही होगी, सुन के देखो। भाई फाइनली मैं एक जंगल पार करके आ ही गया इस टाइम कोई भी नहीं है यार, यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, फाइनली मैं एक जंगल पार करके यहाँ पे आ ही गया। ओह फक, क्या सीन है यार, देखो 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 देखो, मैं उसके अंदर से आया हूँ उसके अंदर से, और ये है पूरा वो वैसा। इसको गाड़ते हैं यहाँ पे। मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये देख रहे हो ये इंसान के पैर के निशान तो नहीं है, अब ये पता नहीं कुत्ते के निशान है या भेड़िया के निशान है, बट है किसी जानवर के निशान। यहाँ की जो वेव्स है वो सडनली आके डेड हो जाती है, आप ध्यान से देखना बहुत अलग है यहाँ का वेव्स का, लेकिन जो वेव्स आती है ना बड़ी बड़ी, ये जो पानी जो यहाँ पे ना स्लोप बना हुआ है ये देखना, थोड़ा स्लोप दिखेगा आपको, इसके वजह से ये वेव्स ज़्यादा आगे आ नहीं पा रही, ऑल ऑफ सडन एकदम से डेड हो जाती है।
यार मेरा नहाने का मन तो है लेकिन मैं थोड़ा पास तक जाऊंगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तो इस कैमरे को रखते हैं यहाँ पे। ऑल राइट भाई, मैं जाने वाला अंदर की तरफ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अंदर ले जाओ कैमरा, पहले इसको बांधते हाथ में, साला एक गुम हो गया ना मेरी वॉट लग जाएगी। ये देख रहे हो सडनली डेथ हो गई, डेड हो गई वेव। मस्त प्लेस है यार, मेरे को तो मजा आ गया यार सच में ये बीच पे आके। मेरी लाइफ का बेस्ट बीच कह लो आप, क्योंकि कितना पीसफुल है यहाँ पे यार, कितना पीसफुल है। अब थोड़ा डुबकी मारने की सोच रहा हूँ। ये आई है तगड़ी वाली। भाई ये भी बहुत पास तक आ गया था मेरे कैमरे के, मैं भागता भागता आ रहा था कैमरा बचाने। ओ शिट, चप्पल भैंचोद, ओ मेरे कपड़े, शिट 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 शिट। यार ये तो पूरे गीले हो गए, इसको वहां रख देते हैं। ये वाली आई थी तगड़ी वेव तो। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे आगे और भी बहुत जगह जानी है। देन थोड़ा सूख जाने के बाद मैं रेडी वेडी हो जाता, रेडी क्या ये सब कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ एंड देन चलते हैं। बाकी यार मैंने अपने YouTube चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया है, हैदराबादी वंडरलास्ट। सबसे पहला वो YouTube का बटन, उसके पीछे जो जो मुझे उम्मीद नहीं है कि मिल पाएगा कभी, उसके बाद इस पे लिखा है YouTube और ये है हैदराबादी और ये है वंडरलस्ट। फिलहाल मेरे हैं 350 सब्सक्राइबर, बट एज अ मेमोरी मैं याद रख रहा हूँ यार, अगर कल को मान लो मेरा मोनेटाइज वगैरह हो गया चैनल, तो भाई एटलीस्ट ये पिक्चर तो मुझे याद रहेगी। चलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। यार एक प्रॉब्लम हो गई है, अभी आपने देखा था ना कि मैं फ़ोन वोन और कपड़े गीले हो गए थे, अब मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है यार। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे कैसे जाऊं, क्योंकि मेरा जो जितना भी सारे का सारा जो मुझे लोकेशन जाना था मैंने वो स्पेशली सेलेक्ट करके मैप में सेव किए थे। अब भाई पता नहीं यार अब कैसे करूँगा मैं। ओके एनीवेज पहले मैं यहाँ का दिखा देता हूँ आपको। ये है टेंट जहाँ पर मैं रात में सोया था। और ये है भाई अपने कार्तिक, शर्मा रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है ये ना थोड़ा एडवेंचर टाइप का एरिया है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं बीच पे गया था उसके उस बीच पे नहीं, एक दूसरी बीच है वहाँ पे थोड़ा ये सर्फिंग वगैरह की मतलब लोग करने वरने आते हैं। तो यहाँ पे मैं सोया था उस टेंट के अंदर, और वहाँ पे कुछ और टेंट भी है बड़े बड़े, इसके लिए पे करना पड़ता है। और देन लंच वंच भी मैंने यहीं कर, डिनर भी कल रात को यहीं कर लिया था एंड देन आई थिंक ब्रेकफास्ट भी मुझे यहीं पे मिल जाएगा। बाकी यार मेरे पास फ़ोन नहीं है यार, मुझे ना बस उसका बहुत दुख हो रहा है यार, अब मैं कैसे करूँगा आके। शिट यार, ऑलराइट देन आप कुछ कर तो सकते नहीं भाई, अब मैं सीधा भुवनेश्वर ही निकलने का सोच रहा हूँ, क्योंकि चिल्का जाना वहाँ पे विदाउट फोन पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि मैंने कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस सेलेक्ट करे थे जो मैप में मैंने सेव किए थे, मुझे नाम वाम भी कुछ ढंग से याद नहीं है। तो बेटर यही है कि मैं अब घर ही जाऊँ, क्योंकि फ़ोन होता है ना तो एटलीस्ट मुझे नेविगेशन से रास्ता वास्ता पता चलता रहता है, चाहे कितनी भी रात हो जाए।